नमस्कार, मैं हूँ आर्यन। सिल्क टीवी के पूरे परिवार के तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप जानते हैं, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हर एक साल हम 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी का वो दिन, वो जश्न हम मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और फहराकर पूरे देश को संबोधित करते हैं। वो दिन को हम याद करते हैं जब हमारे वीर सैनिक अपने खून को बहाकर इस देश को आज़ाद किया था। कई वीर जवान, चाहे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हों या मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हों या सिख या ईसाई या फिर किसी भी मजहब से बिलोंग करते हों, वो अपना खून बहाया था इस देश को आज़ाद करने के लिए। उसी आज़ादी को याद करते हुए हम इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से, बड़े स्केल पर इसको हम मनाते हैं। झंडे को बड़े सम्मान के साथ फहराया जाता है और हर एक साल इस पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस झंडा तोलन के बाद बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो या माँ हो या फिर बहने हो, कृपया किसी भी झंडे को रोड पर ना फेंकें। झंडे को आदर सम्मान के साथ उसको कहीं अच्छे जगह पर रखें या फिर अपने घर ले जाएं। ये बहुत ही एक चैलेंजिंग बात है, क्योंकि हर एक साल कहीं ना कहीं देखा जाता है कि झंडा तोलन के बाद उसको सड़क पर कहीं फेंका हुआ कहीं कहीं मिल जाता है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसको इज्जत और आदर मिलना चाहिए। इससे हमारा देश का गरिमा, मान, मर्यादा बढ़ता है। बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।